मु समस्त को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करवा सारला दासर रचनावली सम्बन्ध में। आम पूर्व भिडियो आलोचना कर सारीचे सारला दासर जीवनी सम्बन्धी जीवनी जन्म वंश परिचय ए सब सम्बन्ध में आम पूर्व भिडियो आलोचना कर सारीचे। जी भी से भिडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जाकि देखी नि। आम यही भिडियो आलोचना करवा सारला दासर रचनावली सम्बन्ध में। सारला दास सारला दास महाभारत, बेलंका रामायण, सप्तकांड रामायण, चंडी पुराण प्रभृति ग्रंथ मान रचना करथिले। एगुडी कर रचना क्रम संबंध रे से कवि सारला दास जे कि चतुर्दश रु पंचदश शताब्दी पर्यंत तांकर समय काल से कहिसंती जे प्रथमे श्री रामायण, द्वितीय भारत, तृतीय रचना कली श्री भागवत बोली से कहिसंती। माने प्रथमे रामायण बा बेलंका रामायण से रचना करथिले, द्वितीय भारत बा महाभारत रचना करथिले एवं तृतीय श्री भागवत बा चंडी पुराण से रचना करथिले बोली तांकर वर्णना रही। श्री रामायण होची बिलंका रामायण एवं भारत होची महाभारत एवं श्री भागवत होची देवी भागवत बा चंडी पुराण। तांकर रचनावली संबंध में आम ए भिडियो रे आलोचना करिबा। प्रथमे आम आलोचना करिबा बिलंका रामायण संबंध रे। बिलंका रामायण सारला दासर उक्ति अनुजायी बेलंका रामायण तांकर प्रथम कृति। माने सारला दास जो जहाँ भी रचना करिजंती तांकर सर्वप्रथम कृति होती बेलंका रामायण। तांकर प्रथम रचना हेतु यह क्षुद्र आकृति विशिष्ट बोली मने हुए। माने ए बेलंका रामायण जेहेतु तांकर प्रथम कृति तेणु यह क्षुद्र आकृष्ट विशिष्ट माने जहाँ प्रथम कृति थी तेणु ताकू से विराट काल हिसाब वर्णना न कर अति क्षुद्र हिसाब से वर्णना करते मने हुए। शिव एवं पार्वती कथोपकथन छड़े समग्र ग्रंथटर विषय वस्तु परिकल्पित। माने शिव एवं पार्वती कथबार्ता होती कथबार्ता को नहीं ही बेलंका रामायण रचना करार कथावस्तु होगी। बेलंका रामायण विषय वस्तु होगी लंकार राजा दशानन रावण को मारी लक्ष्मण और सीता सांगर से अयोध्या फेरी। माने रावण को परास्त करी युद्ध रे रामचंद्र निज भाई लक्ष्मण एवं सीता धरी अयोध्या प्रत्यावर्तन कर विजय उत्सव राज्याभिषेक महासमारोह आयोजन करा जायछि। माने जेतेबेले रावण को मारी राम ये रावण को पराजित करिसंती लंका को जाई एवं फेठारू निज पत्नी सीता और लक्ष्मण को घेनी अयोध्या को प्रत्यावर्तन करिसंती। सेही समय राजा विजय उत्सव सहित जो राज्याभिषेक महा धूमधाम आयोजन होइछि महासमारोह आयोजन होइछि एवं स्वर्गर केतेक देवता मध्य एही उत्सव रे निमंत्रित होइसंती एवं से एही रामंकर विजय उत्सव बा एही जो तांकर राज्याभिषेक देखिबाको फेठार दण्डायमान होइसंती। एवं ठीक एही समय रे फेठार उपस्थित जनि क्रंदनाटक जम्म। माने एही समय रे कांदी कांदी अति दुखदपूर्ण भाव रे सेही सभा रे सेही रामंकर सेही विजय उत्सव बा तांकर जो अभिषेक अनुष्ठित होता राज्याभिषेक से कांदी कांदी विभिन्न देवता मान उपस्थित होगा समय जम्मू फेटार कांदी कांदी उपस्थित होती निजर दुख जन से कहते ब्रह्मा बररे बलियान बेलंकार सहस्राफिरा रावण देवता मान बहु भाव निर्यातित करुँच प्रतिदिन तार बाती ताटी खटिवा पड़ू। से बेलंकार गोटे राजा थिला माने लंकार थिला रावण से भाव बेलंकार जे राजा थिला से थिला सहस्राफिर रावण से देवता मानू माने स्वर्ग को से अधिकार कर रावण स्वर्ग को अधिकार कर देवता मानू खटिकिया भाव दिन मजूरी भाव खटेवा पड़ूला। देवता माने विचार कर सहस्राफिर रावण को जिते बेले लंकार रावण को राम परास्त कर निज विजय उत्सव पालन कर अयोध्या से समय जो क्रंदनरत जम उपस्थित होती से कहते जो सहस्राफिर रावण बेलंकार राजा से देवता मान स्वर्ग को अधिकार कर देवता मान बहु भाव निर्यातित कर रामचंद्र व्यतीत कई से रावण को बोध करें नहीं कारण रावण था ब्रह्मा बड़े बलियान। से सहस्राफिर रावण था कौन ब्रह्मा पर पाई से दीर्घ वर्ष धरी तपस्या कर ब्रह्मा पर लाभ कर तेणु से अमर बर से पाई किंतु रामचंद्र राजा हवा पर बेलंका रामायण को माने जिते रामचंद्र से अयोध्या राजा होइजिबे सेही समय रे सहस्राफिर रावण को सहित युद्ध करने प्रवर्तवा संभव हेबो नाही। तेणु से अभिषेक समारोह जम कांदी कांदी उपस्थित होइजन राम को अनुरोध करिसंती से सहस्राफिर रावण को बध करने शेष ब्रह्मा परामर्श अनुसार जिते ब्रह्मा से परामर्श मांगी सहस्राफिर रावण को किपरि बध कर ब्रह्मा कहते खल एवं दुर्बल को अयोध्या पठाई सेठारे से राम और सीता कंठ में विजे रही एपरी कतोपकथन रत रही रामचंद्र बाध्य हो बेलंका यात्रा करबाको हेबो खल एवं दुर्बल आदेश पाई अयोध्या यात्रा करिसंती। अभिषेकर अव्यवहित पूर्व माने रामंकर अभिषेक हेबा पूर्व से राजा हेबा पूर्व रामचंद्र कुलगुरु वशिष्ठ को लंका विजय संबंध में निजर वीरत्वपूर्ण कहानी शुणाइवा संबंध में माने जिते बेले जो समय कि कुलगुरु वशिष्ठ को राम निजर विजय कहानी शुणाऊं ठीक से ही समय से जो ब्रह्मा द्वारा माने से जो ब्रह्मा जो निष्पत्ति द्वारा प्रेरित खड़ द्वारा परिचालित सीता घोर प्रतिवाद कर माने कहते प्रकृत में तुम्हें माने प्रतिवाद कर लंका विजयर गौरव रामंकर नुहे निजर प्राप्य माने से ही समय जो ब्रह्मा जो निष्पत्ति नहीं गोटे खड़ बोली से सीता अभिनय कर सीता रूप धारण कर राम विजय उत्सव में उपस्थित होती राम को कही तुम्हें प्रकृत में लंका रावण को जो बोध कही तुम निजर प्राप्य नुहे तुम्हें प्रकृत रावण को पराजित करना तुम प्राप्य नुह बोली से कहते जदि तुम्हें जाए विलंका रावण को बोध कर तेज लंका विजय गौरव दाबी कर देवता मैंने से प्लां कर राम को किपर बाध्य करे लंकार जो विलंकार सहस्राधि रावण को बध करने से समय सीता से खड़ द्वारा परिचालित सीता प्रतिवाद कर तुम्हें किंबा कष्ट पाई अछ देवराण महाकष्ट पाई मु मारिली रावण से कहते तुम्हें किंबा कष्ट पाई तुम्हें कौन कष्ट पाई तुम्हें क्यों कष्ट पाई महाकष्ट मु पाई मु रावण को बध कर सीता एमंत प्रतिज्ञा जब अच्छी रघुफाई विलंका रावण को एवं मार जाए तुम जब एमंत प्रतिज्ञा अच्छी तुम्हें जब सतरे भाव तुम रावण को बध कर तुम जब यहीपरी प्रतिज्ञा अच्छी तेज तुम्हें विलंका रावण को जाई मार बोली कहते सीता से सीता को आह्वान को ग्रहण कर रामचंद्र सीता को आह्वान को ग्रहण कर विलंकार रावण को संहार करने बाहर पड़ते देवता मैंने आकाश मार्ग उड़े नहीं माने रामचंद्र कौन विलंकार रावण को मारे बाहर पड़ते देवता मैंने आकाश में उड़े नहीं कौशल क्रमे विलंका नगरीर दक्षिण द्वार प्रवेश कर सहस्राफ रावण सहित साक्षात होती माने जो कौशल क्रमे माने धीरे धीरे रावण मैंने जितने स्वर्ग आकाश में उड़े नहीं से समय दक्षिण द्वार से प्रवेश कर सहस्राफ रावण सहित यही ताली पवन रामचंद्र 70 योजना दूर पड़ते माने राम पहुंची जाती रामचंद्र को अभिषेक निमंत चंदन काष्ठ संग्रह हनुमान अयोध्या फेरी माने जितेबाला रामंकर विजय उत्सव अनुष्ठित होता यही समय हनुमान प्रिय भक्त से जाती कौन चंदन काठ संग्रह करने समय से अयोध्या को फेरी देखते प्रकृत में प्रभु रामचंद्र नहांती से सहस्राफ रावण को बोध करने देवता मान सहित चली जाती यह शुणी हनुमान सह्य कर निजे जाई विलंकार पहुंची गोटे पुष्करिणी जलपान कर मृत्यु मुखर पड़ते हनुमान और तार पिता पवन को अनुरोध देवता मैंने पुणी हनुमान को जीवन दान कर राम नहांती जानते विलंका को चली जाती गोटे कौन गोटे पुष्करिणी विषाक्त जलपान कर मृत्यु मुखर पड़ते किंतु पिता पवन पुत्र ना हनुमान पिता पवन अनुरोध क्रमे देवता मैंने पुनर्बार जीवन दान करते किंतु हनुमान पुनर्बार विपदर सम्मुखीन होती वर्षकर मात्र गोटे दिन खाद्य ग्रहण करुवा सहस्राफिर खाद्य भाव तार उदर प्रवेश करते माने कौन वर्षकर मात्र सहस्राफिर रावण जहाँ बोध करने रामचंद्र बाहर पड़ते से वर्षकर मात्र गोटे दिन खाद्य ग्रहण करता मारे से प्रवेश करते सहस्राफिर रावण पेटर से प्रवेश राम नाम जप कर मुक्ति पाई सहस्राफिर रावण परदिन निज आत्मीय स्वजन सहित परामर्श कर रामचंद्र सहित युद्ध करने बाहरी माने परदिन जानी सहस्राफिर रावण प्रकृत रामचंद्र सहित युद्ध करने आसी से कौन करना रामचंद्र सहित युद्ध करने से बाहरी युद्ध तार मंत्री सप्तफिरा सप्तफिरार पुत्र नाभिदत्य शुंभ निशुंभ प्रलंबा कदंबा त्रिफिरा सतफिरा प्रभृति राक्षसगण प्राण हराई माने से युद्ध रे तार समस्त असुरगण धीरे धीरे प्राण हराई किंतु सकल चेष्टा सत्वे मध्य सहस्राफिर रावण को रामचंद्र पराजित कर पारि नाहांती कारण से थिला ब्रह्मा बल में बलियान देवता माने तांको परामर्श देइछंती सती शिरोमणि सीतांको सहाय्य ने सहस्राफिर को वध करया पई हनुमान अयोध्या को जे लक्ष्मण एवं सीता को धरी फेरिछंती महिषामर्दिनी महामाई कात्यायनी ठारू पंचदश वर प्राप्त होई सती सीता त्रिलोक्य मोहिनी बेफरे सहस्राफिर सम्मुख में पहुंची माने से त्रिलोक्य मोहिनी बेफ धारण कर सहस्राफिर सम्मुख में पहुंची से निजर उल्लग्न शरीर देखी सहस्राफिर को हीन बीर्जा कर देते माने सीता निजर कौन उल्लग्न शरीर देखाई से ही सहस्राफिर रावण को हीन बीर्जा कर अवसर राम और लक्ष्मण सरबिद्ध कर दुष्ट दानव को चिरदिन धरापृष्ठ विदाय देते माने यही समय जितेबले निजर उल्लग्न शरीर देखा जितेबले हीन बीर्जा कर देते सहस्राफिर रावण को सीता यही समय राम और लक्ष्मण कौन निज सरबिद्ध कर दुष्ट दानव को चिरदिन धरापृष्ठ विदाय देते तार मृत्यु दे देते चिरदिन आम आलोचना कला जानीगले कि विलंका रामायण संबंध में विलंका रामायण कथावस्तु कौन जानिले कि विलंका रामायण प्रकृत कथावस्तु थिला जे जितेबले रामचंद्र रावण को मारी जिते निज अयोध्या को फेरी से समय कौन होती राज्याभिषेक होगा पूर्व जमफाटे कांदे कांदे उपस्थित होती से अनुरोध करते सहस्राफिर रावण को मारे कारण से रावण ही देवता मान बहुत भाव में निर्यातित करते रामचंद्र जिते विलंका रामायण को विलंका माने से जो विलंगा को जाई फफड़ा फफड़ा रावण को बध करि पारनते सीतांकर सहाय्य नै जंत एवं सीता त्रिलोक्य मोहिनी वेश धारण करि से तांकू तार उल्लंघन फल देखे तांकू हीनबिर्जा कर दियंते एवं एई समय राम एवं लक्ष्मण फरबिध कर ताकू हत्या करि जंती। ए संबंध रे अछि हमर विलंगा रामायण रे। हम वर्तमान जानि गला विलंगा रामायण विषयवस्तु संबंध रे। वर्तमान हम आलोचना करबा महाभारत संबंध रे। महाभारत जहा कि हम जहा को कि हम श्रेष्ठ कृति बोली कहिताउ। फरला दासंकर श्रेष्ठ कृति होछि महाभारत। फराड़ा महाभारत कवि फराड़ा दासंकर रचना मध्य बृहत्तम अन्य कौन से प्रांतीय भाषा एपरी विशालकाय महाभारत से पर्यंत रचित हो न समकालीन भारतीय साहित्य एक स्वतंत्र स्थान अधिकारी माने भारत में एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करी महाभारत। तेणु फराड़ा दास होती ओडिया साहित्यर आदि कवि और फराड़ा महाभारत ओडिया भाषा और साहित्यर कोणार्क सदृश माने फराड़ा दास होती आदि कवि एवं यही महाभारत होती ओडिया भाषा और साहित्यर कोणार्क सदृश। ब्राह्मण धर्मर प्राबल्य काल में से जो समय फराड़ा दास जिते रचना कले महाभारत से समय सबुआ ब्राह्मण मान प्राबल्य परिलक्षित होता है। सबुआ ब्राह्मण मान राजनीति चली से समय संस्कृत भाषा ये भारत में ओडिशा कहीं समग्र भारत में संस्कृत भाषा सबुठ श्रेष्ठ भाषार मान्यता पाई और से ही समय ब्राह्मण मान आधिपत्य थे फराड़ा दास निजे निजर फो माने से लोक मान कथित भाषा ओडिया भाषा निजे विराट महाभारत भली महाकाव्य को फो भाषा रचित कर दिए सर्वश्रेष्ठ कृति कहला कारण से समय संस्कृत भाषार प्राधान्य परिलक्षित होता है। जहां भी काव्य रचित होता ताहा केवल संस्कृत भाषा ही रचित होता। से जो चरित्र गुड़ी चित्रण कर समस्ते आचार विचार चाहणी चलनी विश्वास परंपरा वेशभूषा खाद्यपेय दृष्टि खांटी ओडिया एक जनप्रिय प्रवाद रही जहा ना भारते ताहा नाही भारते। यार अर्थ है जहा नाही महाभारत रे जहा नाही। आमे समग्र भारत को अनुध्यान कले मध्य समग्र भारत को टिकी निकी कर देखिले मध्य ता पाई परिबा नाही। माने महाभारत रे जहा अछि ए भारत रे ताहा अछि। महाभारत रे जहा नाही प्रथमे भारते जहा नाही भारते ताहा नाही भारते माने प्रथम भारत रे अर्थ है महाभारत। ए महाभारत रे जहा नाही ता आमे भारत को खोजिले मध्य पाई परिबा नाही। संस्कृत महाभारत एवं फराड़ा महाभारत मूल संस्कृत महाभारत अनुवाद ने माने जते बोले व्यासदेव महाभारत रचना कर से समय समस्ते कहते ये जो फराड़ा महाभारत जो ओडिया भाषा रचना कर संस्कृत भाषा को संस्कृत महाभारत को अनुकरण कर रचना कर मात्र ताहा अनुवाद नुहे से केवल सेठारू रक्त सेठारू से केवल कंकालवाणी से जो संस्कृत महाभारत जो रचना करते व्यासदेव सेठारू से केवल कंकालवाणी स्वकल्पना शक्ति निजर चिंता शक्ति बल से रक्त और मांस संयोग कर अनुवाद नुहे से अनुकरण कर निजे रचना कर महाभारत को किए फराड़ा दास निजे रचना कर निजर कृति बोली कही पारिबा। यार मौलिकता संपर्क में आलोचना करबा जानिगले महाभारत समग्र जानिगले और फराड़ा माने संस्कृत महाभारत और कौन फराड़ा महाभारत भितर किपरि तारतम्य अछि टिके देखिनेबा। अल्पीकरण मूल महाभारतर विस्तृत कारण वर्णित केतक विषय वस्तु फराड़ा प्रति संक्षिप्त भाव उपस्थापन करजंती। माने जहां मूल महाभारत रे बहु विस्तृत भाव रे बहु अधिक रूप धारण करि ताहाको अति संक्षिप्त भाव रे अति स्वल्प भाव रे स्थान देजंती कि फराड़ा दास निज महाभारत रे। मूल ग्रंथ रे वन पर्व रे वर्णित पांडव मानकर तीर्थाटन रो दीर्घ विवरणी आलोच्य ग्रंथ रे अति संक्षिप्त बा अति निम्न रूप रे बा अति कम संख्या रे वर्णना करजंती कि फराड़ा दास। विस्तृतीकरण मूल महाभारत केतक वृत्तांत फराड़ा दास लेखनी अति विस्तारित रूप नहीं मैंने मूल महाभारत बहुत कम अच्छी कि फराड़ा दास अति मानते अधिक बढ़े वर्णना करती। जरासंध बध दौपत्री वस्त्रहरण शिशुपाल बध राजसूय प्रभृति वृत्तांत मूल ग्रंथ बा जो संस्कृत महाभारत बहुत कम थे फराड़ा दास अति विस्तृत भाव वर्णना करती। अनुक्त प्रक्षेप संस्कृत महाभारत आद्य ना केतक विषय वस्तु को फराड़ा दास निज ग्रंथ स्थान देते माने जो नहीं से महाभारत ये महाभारत रचना करती संस्कृत में से जेटा जो जिनस नहीं फराड़ा दास निज महाभारत से स्थान देती। साहाड़ा गचर महात्म्य नवगुंजर परिकल्पना सुरक्षा हरण उफाहरण चंद्रावती हरण सबरी नारायण प्रसंग सत्य आंब उपाख्यान यही जिनस को जहां संस्कृत महाभारत में ना से ओडिया महाभारत स्थान देते फराड़ा दास। आम आलोचना करें मौलिकता संबंध से महाभारत मौलिकता संबंध में आलोचना करवा। मूल ग्रंथर श्लोक संख्या 1 लक्ष हेले फराड़ा महाभारत पद संख्या 1,40,000 माने मूल महाभारत जहां भी अच्छी तार पद संख्या केते तार पद संख्या तार श्लोक संख्या होची 1 लक्ष। श्लोक संख्या 1 लक्ष हेले है फराड़ा महाभारत श्लोक संख्या होची 1,40,000। पुनश्च दुई ग्रंथर पर्व संख्या समान थिले अर्थात उभयर पर्व संख्या 18 होइथिले। फराड़ा दासंकर ग्रंथरे एगुडीकर सज्जीकरण एवं विषय वस्तु संयोजन पार्थक्य देखाय माने दुई जनकर पर्व संख्या समान थिले संस्कृत महाभारत एवं आमर ओडिया महाभारत भितर तारतम्य देखिबाकू मिलिथाय। धृतराष्ट्रक संतान लाभ मौलिकता में पढ़ा धृतराष्ट्रक संतान लाभ संबंधी मूल महाभारत अति संक्षेप धृतराष्ट्रक पुत्र लाभ प्रसंग वर्णित माने मूल महाभारत अति संक्षिप्त भाव में वर्णना कराई धृतराष्ट्रक संतान लाभ प्रसंग किंतु सेठार वर्णना अच्छी जे दुई वर्ष गर्भधारण करने गांधारी एक मांसपिंडुला जन्म कर मांसपिंडुला एक फत खंड कर घृतकुंडर निक्षेप कर एक फत दिवस पर एक फत पुत्र और एक फत कन्या जन्म ग्रहण कर प्रसंग रही। मात्र सारला दास निज ग्रंथ में फतपुत्र लाभ गांधारी को यज्ञ चरु अन्न सेवन कराई माने से कहते जे गांधारी यज्ञ चरु अन्न सेवन करने पुत्र मान लाभ होती से कौन तर मौलिकतार से वर्णना करें। आलोचना विभिन्न प्रवचन ये महाभारत में विभिन्न प्रवचन मान रही प्रवचन मान संबंध में आलोचना करवा वर्णना रही है। गंगा कहले थी गांगी कहले जीवी यहीपर भिन्न भिन्न प्रवचन आम देखा पाई कि महाभारत में केतक निर्दिष्ट स्वतंत्र प्रवचन रही जहाँकि आम पढ़ा मैंने आमको आनंद मिली था आम अधिक आनंदित होता फत दस त्रुटि सत्य मध्य नीरव रहा अति असह्य सामान्य प्रतिवाद करने द्वारा किसी अघटन घटे माने सत माने अनेक दोष होता आम देखा और सही ना किंतु यदि सामान्य प्रतिवाद करवा से सामान्य प्रतिवाद द्वारा यदि किसी अघटन घटे ताहले यह प्रवचनटी व्यवहृत होता है। गंगा कहले थी गांगी कहले जीवी यह एक प्रवाद रही है। शिवं को बहुत को मनस्थ कर गंगा माने शिवं को बहुत कर गंगा शिवं को माने बहुत को मनस्थ कर गंगा और से घटनाक्रम में शिवं अंगभूषण शिवं परी रूप धारण कर शांतनु को बहुत करने को बाध्य होता बहुत पूर्व एक शर्त था जी निज इच्छा जहाँ करेंगे शांतनु तार विरुद्धाचरण करेंगे नहीं माने बहुत पूर्वर गोटे शर्त रखी किए गंगा शर्त रखी से जहाँ भी करेंगे से कारण शिवं को बहुत करने को मनस्थ करते कि परिस्थितर बाध्य पड़ी और शिवं अंग धारण करते शांतनु को बहुत करने को कौन बाध्य होते से एक शर्त रखी से जहाँ भी करेंगे शांतनु तार विरुद्धाचरण करेंगे नहीं और जब शांतनु विरुद्धाचरण करती तेल गंगा शांतनु को त्याग करेंगे से वैवाहिक जीवन आद्य आनंद आनंद जायक ना कारण सब उभयों मध्य कली गोल लगी रोला। थे निज गर्भजात छटी पुत्र को जन्म देवा संगे संगे गंगा हत्या करी जिते सप्तम पुत्र को हत्या करने समय शांतनु यार प्रतिवाद करी गंगा को गांगी कही तिरस्कार कले जिते बेले गंगा और शांतनु गर्भर छटी पुत्र जन्म ग्रहण करते किए गंगा हत्या करते कि जितने सप्तम पुत्र को हत्या करने को चेष्टा कर समय कौन शांतनु प्रतिवाद कर तुम्हें मोर छटी पुत्र को मारिदेल पुणी सप्तम पुत्र को कहीं मारुच कहते गांगी कही तिरस्कार करते शर्त भंग हवा दर्शाई गंगा शांतनु को त्याग करते से समय गंगा कौन करना शांतनु को त्याग करते कारण से पूर्व कहते गंगा जहाँ भी करेंगे शांतनु विरुद्धाचरण करेंगे नहीं कि शांतनु प्रति अति असह्य हो पड़ी निजर सब पुत्र दुखरे मृत्यु से अत्यंत मर्माहत हो पड़ी तेणु से तार विरुद्धाचरण करते गंगा को गांगी बोली तिरस्कार कर गांगी माने गंगा शांतनु को छाड़ी चली जापर आउ गोटे प्रवाद रही आउ गोटे प्रवचन रही धृतराष्ट्र को कन्या ना कि गांधारी को बर नहीं माने देख किपर प्रवचन सृष्टि माने धृतराष्ट्र को कन्या ना कि गांधारी को बर नहीं बर और कन्या विवाह निर्दिष्ट हो न पारे कि निर्दिष्ट हो माने बर और कन्या विवाह ठीक हो न पारा ठीक हो संपादित हो न पारा उभयों विवाह हो न पारा ताले यह प्रवचन लोक मान मुखर कथित होता है। धृतराष्ट्र और गांधारी उभय अशुभ तिथि जन्मग्रहण करते माने धृतराष्ट्र और गांधारी उभय अशुभ तिथि जन्मग्रहण करते जहाँ विवाह करते मृत्युवरण करते गांधारी को विवाह करने 22 जन मृत्यु मुखर पड़ी माने गांधारी को विवाह करने 22 जन बर मृत्यु मुखर पड़ी धृतराष्ट्र को विवाह करने जाई एक फत 8 कन्या मृत्यु मुखर पड़ी माने से दुई जन जेतु माने अशुभ तिथि जन्मग्रहण करथिले समाने जहा को विवाह करन से निजे कोन से निजे समाने मृत्यु मुखर पड़ी तेनु एठारे कहजंती जे गांधारी को गरम बर मिली नै किबा धृतराष्ट्र को कन्या मिली नै बोले एही प्रवचन व्यवहृत होइथे। तापर जानिबा मन जाने पाप मां जाने बाप जड़े जो पाप करे केवल तार मन ही जाने माने जड़े जो पाप करे तुम्हें से पाप कर तुम्हें से जानी पार प्रकृत में तुम पाप करा मुझे जानी पारि कि जिते अनुसंधान कले जापरि ना से कथार अच्छी मन जाने पाप जी जो पाप करे तार मन ही से कथा जापे अगर कहीं जापरती नहीं माँ जाने बाप माने प्रकृत में संतान बाप किए ता केवल तार माँ ही कहीपर आम जब अनुधान कर देखा ये प्रवचन मैंने समाज में प्रचलित होता है कारण तार प्रकृत में जो गोटे सतान जन्मग्रहण कर समाज में भिन्न भिन्न दृष्टि देखा जाए तार बापा किए माने प्रकृत में तार बापा जी जड़े हो जब अगर जड़े होता कौन माँ केवल जापे जे प्रकृत में से सतान पिता किए प्रवाद रही मन जाने पाप और माँ जाने कौन माँ जाने बाप बोली से प्रवाद रही। सिमिली गचरे देह घसीबा माने भल बंद जदि विचार न कर चाकचक्य भूली गोटे भूल कार्य कर बसिले माने जदि गोटे भूल भल मंद बोले गोटे कार्य कर तार अनेक भल दिग भी थाए अनेक मंद दिग भी थाए किंतु से भल मंद जदि विचार न कर चाकचक्य आम गोटे भूल कार्य कर बसिबा ताहेले ए प्रवाद सृष्टि होइथे। तापर अछि झिमिटी खेलर महाभारत माने सामान्य कथार गोटे क्षुद्र कथार महाभारत बोली विराट कांड କରିବା କଥା ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଧପାଦ ଧରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଚ୍ଚ ଜନର ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଧପାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ଏପରି ଏକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା ଯେ କନଫର ଫଫୁର ଜରାଫନ୍ଦ 119 ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ 119 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଲକ୍ଷରୁ 100 କମ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜରାଫନ୍ଧ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଜରାଫନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମଙ୍କୁ ଧରି ଜରାଫନ୍ଧକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଗମନ କଲେ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜରାଫନ୍ଧପୁରକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଜରାଫନ୍ଧ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷୀ ଥିଲା ଏକ ଗଧ। ସେ ଶତ୍ରୁର ଆଗମନ ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ରାବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଏ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଗଧ ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ରାଗ କରି କହିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା ଏ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିଲେନି ବୋଲି। ଏମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଗଧ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର गर्जन करने उद्यत होती समय श्रीकृष्ण तार कंठरोध कर मैंने गध को मना कर तू मानने स्वर उच्चारण करनी बोली से समय गध उच्च स्वर से जिते समय गध नीरव रही कही भीतर को जीवाक देती श्रीकृष्ण को कही तुम भीतर को जीव तुमको मुझे छाड़देवी कितु तुम्हें मोर कौन मोर पाद धरवा पड़ो ये प्रवाद रही आसी भगवान गध पाद धरवा प्रसंग माने कार्य हाफल जराफंध को बध करने श्रीकृष्ण कौन गधर पाद समय था भगवान श्रीकृष्ण हो गध पाद धरी कार्य हाफल करने कौन नीच जनर अनुग्रह प्रार्थी होगा पड़े माने कार्य हाफल करने से कौन करते गधर पाद धरी से कथार अच्छी कौन गध पाद धरिया प्रसंग मध्य गोटे प्रवचन अच्छी कर्ण मोले पांच अर्जुन मोले पांच माने कौन गोटे पदार्थ हर संगे संगे ता समतुल्य से आउ गोटे पदार्थ प्राप्त हेले कौन हुए जे यही अर्थ प्रयोग होता है। मैंने गोटे जिन हरवा मैंने धरना 10 टंका हरवा और 10 टंका पुणी नूतन मिले ताहले कौन किसी फरक पड़े ना 10 गला 10 आसला तेणु ये अच्छे गोटे जिन हरवा संगे संगे समतुल्य आउ गोटे जिन प्राप्त हेले आम सेठारे कही था कर्ण मोले पांच और अर्जुन मोले पांच बोली से महाभारत अनेक चरित्र चित्रण रही समस्त चरित्र चित्रण कर श्रीकृष्ण पांडव मान परम सखा थे श्रीकृष्ण महाभारत युद्धर परिकल्पना और परिचालनार मूल कारण यह महाभारत युद्ध श्रीकृष्ण होता श्रीकृष्ण ना महाभारत युद्ध गोटे दिन में सरी जाता किंतु श्रीकृष्ण महाभारत को उपभोग करने 18 दिन व्यापी करते शारदा होती प्रथम ओडिया कवि जे कि श्रीकृष्ण को नीलाचल जगन्नाथों सहित चिन्हित कर माने ओडिया प्रथम कवि शारदा दास जी श्रीकृष्ण नीलाचल नाथ जगन्नाथों सहित से तुलना कर परिकल्पन जरा शबर द्वारा श्रीकृष्ण निहत होगा मृतपिंड अग्नि दग्धीभूत होई नथिला से कौन कराइए अग्नि माने भस्मीभूत होई नथिला कौन कराइए समुद्र में भसाई दि जाइए जहाँकि परवर्ती काल में नीलाचल ठारे दारू ब्रह्म रूप से पूजित होती मैंने जिते श्रीकृष्ण को अस्थि को पुराई जाए कौन होती दग्धीभूत होना निआरी नहीं समुद्र कारण कृष्ण अनेक पाप करते मुझे पाप करते तार अग्नि के भस्म करे ना तेणु से भस्म को नहीं ही समुद्र में भसाई दि जाइए। मूल महाभारत श्रीकृष्ण जने साधु विज्ञ व्यक्ति भाव चित्रित माने मूल महाभारत जो संस्कृत महाभारत सेठारे कौन थे श्रीकृष्ण जने साधु थे विज्ञ व्यक्ति भाव से चित्र थे मात्र शारदा दास चित्रण कर जने कूटनीतिपूर्ण राजनीतिज्ञ भाव में माने कौन चित्रण कर शारदा दास जने कूटनीतिपूर्ण राजनीतिक भाव से चित्रण कर श्रीकृष्ण चरित्र सम्बन्ध में जानीगला। भीम भीम होती द्वितीय पांडव भीमसेन सारणा महाभारत नायक सारणा महाभारत संस्कृत महाभारत नुहे संस्कृत महाभारत नायक होते किए अर्जुन किंतु सारणा महाभारत शारदा दास रचित महाभारत नायक होती भीम किंतु सारणा लेखनी से वीर हेले हैं विवेकी विचारवंत न होती माने से सारला लेखानी कौन से नायक हेले बुद्धि कि विवेकी न होती से बुद्धि शून्य होती बुद्धि शून्य भाव में भीम को चित्रण कराई कारण से एत बड़शाली जन्म है मात्र के पादर कनिष्ठ आंगुली स्पर्श में दर्पित शतशृंगर एक उन्नत शिर चूर्णीभूत होती मैंने जो जन्म होती पाद बाजवर गोटे शतशृंग गोटे शृंग गोटे विराट पहाड़ चूर्णीभूत हो जाएगी और शिशु अवस्था क्रंदन करुवा समय पादर आघात पाद बाजवर गोटे बाघर मृत्यु होती वर्णना करुमान करें भीम के शक्तिशाली थे अनुमान करने द्रौपदी चरित्र चित्रण कर द्रौपदी सारणा महाभारत नायिका द्रौपदी को कौन आम सारणा महाभारत नायिका बोली था द्रौपदी पूर्वजन्म संपर्क एक अद्भुत बरणी रही है द्रौपदी पूर्वजन्म संबंध में अनुमान करने एक अद्भुत बरणी रही सारणा दास पूर्वजन्म से सरस्वती कोपानल जात होते हैं केतुका चंडी रूप से माने पूर्वजन्म कौन से जात होते केतुका चंडी रूप से सरस्वती प्रति असदाचारण कर पंचदश ब्रह्मांग मध्यरु 14 जन को भक्षण करते माने जिते बेले सरस्वती प्रति असदाचारण करते जो खराब व्यवहार करते से कौन करते ना से पंचशत ब्राह्मण मध्य 14 जन से कौन करते भक्षण करते पांच दफ तथा शेष ब्रह्म क्षुद्रक विष्णु शरणापन्न हो बंची जाते पर जन्म दुशासन रूपे जन्मग्रहण करने आदिष्ट हेले माने से पर जन्म से कौन करते दुशासन रूपे जन्मग्रहण करते केतुका चंडी तार रक्तपान करने को जन्म ने द्रौपदी भाव में जन्मग्रहण करते पूर्वजन्म संबंधी गोटे वृत्तांत रही पांडव मान पत्नी होते कर्ण प्रति सामान्य दुर्बलता से सर्वसम्मुखें स्वीकार करते माने से कौन द्रौपदी कौन थे पांडव मान पत्नी से पांडव मान पत्नी थे कौन करते ना ये जो कर्ण प्रति सामान्य दुर्बलता कथा से प्रकाश करते प्रथम आलोचना कले विलंकारायमण सम्बन्ध में महाभारत आम आलोचना करवा श्री भागवत बा चंडीपुराण सम्बन्ध में यह चंडीपुराण पाठ करने समय मन हुए यह एक मौलिक ग्रंथ यह संस्कृत सप्तपथी चंडी बा श्रीदेवी भागवतर अनुवाद नुहे स्थूलतः संस्कृत चंडीपुराण प्रतिपादित कथावस्तु चंडी हस्तरे महिषासुर निधन सारणांकर चंडीपुराण कथावस्तु हेले एथिरे कविंकर अपूर्व कल्पना विलास चरित्र चित्रण नामकरण आदि केतेक मौलिकता और स्वकीयता यहां एक स्वतंत्र ग्रंथर मर्यादा प्रदान कर कथावस्तु सम्बन्ध में आलोचना करवा चंडीपुराण कथावस्तु सम्बन्धी सिंहणासुर पुत्र वज्रसिंह और वज्रसिंह पुत्र हूँ कपिल सिंह ए कपिल सिंह राक्षस 14 वर्ष काल तपस्या कर शिवंठार बर प्राप्त होती बर बल बहु स्त्री उपभोग कर तार निज स्त्री धर्मरेखा श्रृंगार भयर मईषी रूप धारण कर सिंहल द्वीप को चली जाठार से बलात्कार हरण कर जमं बाहन कृतांत नामक मईषी फल जन्म नहीं महाबलवंत महातेज संपन्न एक पुत्र सन्तान तार मुंडी मईषीर और शरीरटी राक्षसर से नामित होती महिषासुर नाम मानने महिषासुर को नहीं किपर किंवदंती रही देखा सेठार बलात्कार जो हरण कर निज पत्नी को से जमर बाहन कृतांत नामक महिषी फल में जन्म नहीं महाबलवंत तेज संपन्न एक पुत्र जार नाम होती महिषासुर से युवक अवस्था प्राप्त होगा महिषासुर अजय वीर भाव कठोर तपस्या कर युवक अवस्था प्राप्त होती से अजय वीर अजय माने कौन जहाँ को कहीं पराजित करें ना से चेष्टा करनेक तपस्या कर ब्रह्मा को सन्तुष्ट कर अमर बर माने ब्रह्मा को सन्तुष्ट कर महिषासुर पाई कौन अमर बर ब्रह्मा तार मृत्युर गुप्त रहस्य जनई कहते केवल जड़े स्त्री हाथ में ही मरब जदि सी स्त्रीर स्तन और यौवन से देखिपार से कहते तू केवल जड़े स्त्री हाथ में ही मरबू महिषासुर को जो बर दे तार रहस्य कही तू तो अमर कितु ते कहीं मारिपारे नहीं कितु तू केवल गोटे क्षेत्र में मरबू जो गोटे स्त्रीर स्तन और तार यौवन देखू से समय तार मृत्युवरण हम बोली से कहते बर पाया पर दिग् विजय बाहरी विभिन्न देश राजा तार बसता स्वीकार करते चंड मुंड और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों सहित तार बंधुता स्थापित होती चंद्रद्वीप राजा कन्या चंद्रावती को से विवाह करी माने चंद्रद्वीप राजा कन्या चंद्रावती को से विवाह करी ब्रह्मांड अमर बरना कारण से बलियान शुंभ निशुंभ थे नारद शुणी महिषासुर राज्य स्वर्ग सहित समान नुहे कारण थे शुंभ निशुंभ थे नारद शुणी महिषासुर राज्य हो समान नुहे कारण राज्य में पारिजात तरु रंभा अप्सरी ऐरावती हस्त और उच्चश्राव्य अश्व ए चारिगोटी पदार्थर अभाव रही चारिगोटी द्रव्य महिषासुर राज्य को पठाया शुंभ निशुंभ इंद्र निकट को पत्र लिखिं मानते इंद्र को लिखिं रंभा अप्सरी ऐरावती हस्ती और पारिजात तरु और उच्चश्राव्य अश्व पठाई देवाई इंद्र से अवज्ञा कर प्रेरित दूतदेव को हत्या कर माने इंद्र मानि ना से महिषासुर कथा और महिषासुर द्वारा प्रेरित दुईजन दूत को कौन कर इंद्र हत्या कर राक्षस देव क्रोधान्वित हो स्वर्ग आक्रमण कर राक्षस मैंने जो जानीगले देवता मैंने कथा मानुना कारण अमर बर पाई ना से समय से देवता मान आक्रमण करने स्वर्ग आक्रमण कर देवता मैंने भयर आत्मगोपन करती राक्षस द्वय को आक्रमण क्रमे महिषासुर उपस्थित होती और देवता प्रति अत्याचार बढ़ी चली देवता कौन अनन्य पाए हो विष्णु को दुख जन देवता मैंने जानी राक्षस मान सम्मुखीन करा राक्षस मान सम्मुखीन करने देवता मान प्रकृत शक्ति ना कारण राक्षस माने से राक्षस से महिषासुर जी की कौन शिवं बर से बलियान सी पाई अमर बर सम्मुखीन होगा देवता मान पाखे से शक्ति और सामर्थ्य नहीं से उपस्थित होती विष्णु पाखे और विष्णु को निजर दुख जनई और दुष्ट राक्षस को बोध कर उपाय कर मंत्रणा मेरु पर्वत पर चलता महिषासुर पर्वत तले रही सब कथा शुणी मानने से विष्णु को परामर्श मागिंट से समय मेरु पर्वत तले लुचि रही किए महिषासुर और समस्त कथा शुणी पारे से मेरु पर्वत को दोहलाई तार एपरी आचरण देवता गण क्रुद्ध होती माने से जो मेरु पर्वत को दोहलाई देवता क्रुद्ध हो जाती मुखर अग्नि निरुक्त होती महानर उत्पत्ति होती देवता मैंने राग हो जाती मुखर कौन महाअनर निर्गत होती देवता महिषासुर ताकू देखी से कौन भयभीत हो स्थान सारी पलाई जाइए। और समय समस्त को विस्मित कर महानल माने देवता मान मुखर जो अग्नि निर्गत होती से महानल मध्य जन्म नहीं अनादि शक्ति और अतुलन सौंदर्य अधिकारिणी सहज भुज विशिष्ट अभय कात्यायनी माने से ही अनन जन्म नहीं जड़े माने तेजस्वी महिला जनक और नाम हूँ कात्यायनी ब्रह्मा द्वारा नामकरण कराई दुर्गा देवी दुर्गा रत्नगिरी उपर अवस्थान कर निजर अपरूप सौंदर्य बल महिषासुर केतेक अनुचर मान आकृष्ट कर बोध कर माने से दुर्गा जो देवता मान मुखर जो अग्नि निर्गत होती जो जन्म लाभ कर दुर्गा से कौन कर महिषासुर केतेक देवता मान प्रति आकृष्ट कर बोध करते शेषे सैन्यबल ठारे महिषासुर पंचीदे तार समस्त राक्षस बल जो धीरे धीरे मृत्युवरण करते समय महिषासुर कौन कर फेडर पहुंची दुर्गा समस्त शक्ति खटाई महिषासुर को बोध कर पारि ना माने दुर्गा निजर शत प्रतिशत चेष्टा सत्वे से देवता महिषासुर को बोध कर पारि ना कारण से कौन से अमर बड़े देखित मान मात्र गोटे थी स्त्री स्तन और जौवन देखिए मृत्युवरण कर शिव तर से कहीदे ना से अमर तक कहीं मारी पारे कहते कि दुर्गा शत चेष्टा सत्वे मारी ना सैन्यफल को सर्वमंगला महिषासुर मृत्यु भेद जन दुर्गा को कौन सर्वमंगला महिषासुर मृत्यु भेद जनई प्रथम कुंठिता होती दुर्गा राक्षस समूह वस्त्र त्याग कर प्रथम कुंठिता कारण से देवी दुर्गा ना से जड़े महिला से किपर जन राक्षस समूह वस्त्र त्याग करेंगे कि प्रथम से कुंठा बोध कर जानते कि छड़ा किसी उपाय ही ना यहाँ छड़ा महिषासुर निधन असंभव तेणु से कौन कर निजर वस्त्र निजर राक्षस सम्बन्ध निजर वस्त्र त्याग कर राक्षस दुर्गा विवस्त्र देखी विमोहित होती माने जितने निज वस्त्र त्याग कर दुर्गा से समय राक्षस विमोहित हो पड़ी प्रति से आकर्षित हो पड़ी से ही अवसर में दुर्गा बक्षरे फूलबिद्ध कर विनाश कर असुर निधन देवता गण आनंदित होती मात्र विवसना देवी निकट को जीवाई से संकोच होती जो असुर बध होती से समय कौन देवता मैंने आनंदित होती मात्र विवसना किए देवी से निजर वस्त्र त्याग करते तेणु निकट को जीवाक देवता मैंने साहस कर पारि ना लज्जाहीन से देवी को पड़ी देवता गण भयभीत हो आत्मगोपन कर मात्र देवदेव महादेव तांडव नृत्य भल रही क्यों आने जापना नृत्य विमोहित होई देवी शिव को विनाश करने चाह ना बरं प्रति प्रीत होई बर प्रदान करने को इच्छा कर देवी को सत्य कराया पर शिव कहते हेबू तू मोहर भारी जापर ईश्वर देवी को कोलाग्रत कर देवादेवी गण से उपस्थित रही ईश्वर भवानी वंदना गान कर परिसमाप्ति घटी जाए जानगला श्री भागवत व चंडी पुराण संबंध में बर्तमान आम शारदा दास समस्त रचनावली संबंध में पढ़ला आ गोटे जो लक्ष्मी नारायण बचनिका ताकू शारदा दास लेखावली कह जाए पोथी आकार ग्रंथटी पत्र संख्या 9 और यार पद संख्या 79 लक्ष्मी नारायण बचनिका शूद्रमुनि शारदा दास गति मुक्ति देवा जानी यह ग्रंथर रचनावली कह जाए ग्रंथटे दाण्डीवृत्ते रचित और लक्ष्मी नारायण मध्य कथोपकथन को नहीं लक्ष्मी नारायण बचनिका प्रस्तुत होती किंतु केतक शारदा दास समय मन कराए ना तेनाली बाद दिखाई किंतु जो आम पढ़िले प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय श्री भागवत माने बिलंका रामायण और महाभारत और चंडी पुराण यह शारदा दास कृति और यही संबंध में समस्त तथ्य अवगत हो गले जार किसी भी डाउट रही है से जो किसी बुझीपार ना से मतलब कमेंट में जन पार और भिडियोटी भल लगे भिडियो को लाइक करो और मोर चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ जिते पार से अधिक शेयर करो धन्यवाद।